मारुति सुजुकी नेक्स्ट जनरेशन वैगनार को आज 23 ऑफ जनवरी को लॉन्च किया जा चुका है। इसका बेस वेरिएंट 4.19 लाख रुपीस से शुरू होकर टॉप वेरिएंट 5.69 लाख रुपीस तक का मिल जाया करेगा एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि इस नई वैगनार को कितने वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है, किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और किस वेरिएंट को खरीदना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस नई वैगनार में पुराने वाले 1 लीटर इंजन के साथ साथ इग्निस और स्विफ्ट वाला 1.2 लीटर फोर सिलेंडर इंजन भी मिलने लगा है। इसलिए इसके पुराने वाले 1 लीटर इंजन में आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है बेस वेरिएंट LXI और उसके ऊपर VXI। VXI वेरिएंट में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन LXI में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिल पाता। मतलब VXI वेरिएंट ही पुराने वाले इंजन का टॉप वेरिएंट है। और रही बात 1.2 लीटर इंजन की, तो इसमें भी दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है VXI और दूसरा ZXI जो कि टॉप वेरिएंट है। और इन दोनों ही वेरिएंट्स में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब वेरिएंट वाइज फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको सभी वेरिएंट्स में कॉमन मिल जाते हैं। मतलब ये फीचर्स तो आपको हर किसी वेरिएंट में कम से कम मिलने ही मिलने हैं, फिर आप चाहे बेस वेरिएंट खरीदें, कोई मिड वेरिएंट खरीदें या फिर टॉप वेरिएंट। ड्राइवर साइड सन वाइजर विथ टिकट होल्डर, एसेसरी सॉकेट फ्रंट रो विथ स्टोरेज स्पेस, एयर कंडीशनर विथ हीटर, रिक्लाइनिंग एंड फ्रंट स्लाइडिंग सीट्स, सिंगल ड्राइवर एयरबैग। इसके टॉप वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको सिंगल ड्राइवर एयरबैग ही मिल पाता है। हालांकि आपको ऑप्शनल सेफ्टी मिल जाती है, पैसेंजर एयरबैग, सीट बेल्ट प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर की। इसके अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और बॉडी कलर्ड बम्पर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट LXI 1 लीटर इंजन के बारे में। ये वेरिएंट आपको एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 4.19 लाख रुपीस का मिल जाता है। रही बात फीचर्स की, तो इस वेरिएंट में उतने ही मिनिमम फीचर्स मिल पाते हैं जो कि मैंने आपको अभी अभी बताए थे। इन मिनिमम फीचर्स के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फीचर इस वेरिएंट में नहीं मिल पाता। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं पुराने वाले 1 लीटर इंजन के VXI वेरिएंट के बारे में। ये वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 4.69 लाख रुपीस का मिल जाता है। मतलब कि बेस वेरिएंट LXI से करीब 50,000 रुपये महंगा है। और अगर इसी वेरिएंट में आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं 1 लीटर इंजन के साथ, तो वो आपको 5.16 लाख रुपीस का मिलता है एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। मतलब VXI मैनुअल ट्रांसमिशन से करीब 47,000 रुपीस महंगा। इस वेरिएंट में उन सभी मिनिमम फीचर्स के अलावा आपको 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, डे नाइट IRVM, टिल्ट स्टीयरिंग, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, सिल्वर फिनिश गियर शिफ्ट नॉब्स इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ओनली, कीलेस एंट्री, रियर पार्सल ट्रे, स्मार्ट प्ले डॉक, ब्लूटूथ, 2 स्पीकर्स, USB NAUX कंपेटिबिलिटी, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, सिक्योरिटी अलार्म, फुल व्हील कैप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और बॉडी कलर्ड ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर बात की जाए 1.2 लीटर इंजन के VXI वेरिएंट की, तो वो आपको एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 4.89 लाख रुपीस का मिल जाता है। मतलब कि 1 लीटर इंजन से सिर्फ 20,000 रुपये महंगा। और अगर आप इसी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं, तो वो आपको 5.36 लाख रुपीस का मिल जाता है। मतलब 47,000 रुपीस महंगा इसी वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन से। और रही बात फीचर्स की, तो इस वेरिएंट में भी आपको 1 लीटर इंजन के VXI में मिलने वाले सभी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। पहली है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और दूसरी बी पिलर ब्लैकआउट टेप। और अब बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट ZXI के बारे में, जो कि सिर्फ 1.2 लीटर इंजन में ही मिल पाता है। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये वेरिएंट 5.22 लाख रुपीस का मिल जाता है, जो कि सेकंड टॉप VXI से
33,000 रुपीस महंगा है। और अगर आप टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपको 5.69 लाख रुपीस का मिल जाता है, जो कि टॉप वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन से 39,000 रुपीस महंगा है। सेकंड टॉप VXI में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा टॉप वेरिएंट ZXI में वाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जबकि अभी तक रेडिश अंबर मिल रहा था। टैकोमीटर, रियर डिफॉगर, को ड्राइवर फ्रंट सीट अंडर ट्रे एंड रियर बैक पॉकेट, 7 इंच टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कंट्रोल, फ्रंट फॉग लैम्प्स, सिग्नल लैम्प इंटीग्रेटेड इन ORVMs, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल ORVMs और रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट कौन सा है। देखिए, इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स 1 लाख रुपए की रेंज में ही आ जाते हैं। इसका बेस वेरिएंट 4,19,000 से शुरू होता है और टॉप वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन 5,22,000 रुपए का मिल जाता है। 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर ही सभी वेरिएंट्स आ जाने के कारण वेरिएंट्स के बीच का प्राइस डिफरेंस काफ़ी कम है, इसीलिए आप इनमें से किसी भी वेरिएंट को खरीदें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर भी डिटेल में बात की जाए तो इसके बेस वेरिएंट LXI में काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको फीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उस केस में आप इसके बेस वेरिएंट को खरीद सकते हैं, वरना आप इसको अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। और अगर आप इसके पुराने 1 लीटर इंजन में VXI वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन हो या फिर ऑटोमेटिक, तो वो खरीदने के लिए मैं आपको मना करूंगा। वजह सिर्फ एक ही है कि 1.2 लीटर इंजन में VXI वेरिएंट आपको सिर्फ 20,000 रुपये महंगा मिलता है। काफ़ी कम प्राइस डिफरेंस है। अगर आप 5-6 लाख रुपये किसी गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20,000 रुपये का अमाउंट कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ 20,000 रुपये ज़्यादा में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट परफॉर्मेंस दिया करेगा। जो लोग 11 से ज़्यादा माइलेज के दीवाने हैं, उन लोगों को भी मैं बता दूं कि इसके 1.2 लीटर इंजन में 21.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है और पुराने 1 लीटर इंजन में सिर्फ 1 kmpl ज़्यादा, 22.5 kmpl का। इसीलिए माइलेज के हिसाब से भी देखा जाए तो 1.2 लीटर इंजन का ही VXI वेरिएंट बेटर है। इसीलिए इस नई वैगनार का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है VXI 1.2 लीटर। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बजट की प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन चाहते हैं, तो आप इसका टॉप वेरिएंट ZXI खरीद सकते हैं मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल इसके किसी भी वेरिएंट में आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिल पाता, हो सकता है कुछ समय बाद मिलने लगे। इन बातों के अलावा मैं आपको बता दूं कि मारुति ने अपनी हर किसी नई गाड़ी की तरह इसको भी हार्डटेक प्लेटफॉर्म पर ही बनाया है, जिसकी वजह से इसका वज़न काफ़ी कम हो गया है और इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गई है। और साथ ही में इसके कैबिन में आपको पहले से ज़्यादा स्पेस मिलने लगी है। डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी लेंथ है 3655 mm, विड्थ 1620 mm, हाइट 1675 mm, व्हील बेस 2435 mm और टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर। पहले की तरह इसमें पुराना वाला 1 लीटर इंजन मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, 67.05 bhp की पावर जनरेट करता है 5500 rpm पर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3500 rpm पर। इस इंजन में 22.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा है, फिर चाहे आप मैनुअल लें या फिर ऑटोमेटिक, यही सेम माइलेज क्लेम किया जा रहा है। और बात करें 1.2 लीटर इंजन की, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो ये इंजन 81.80 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 4200 rpm पर। इस इंजन में भी काफ़ी अच्छा माइलेज क्लेम किया जा रहा है 21.5 kmpl का। इसके बेस वेरिएंट LXI में आपको 13 इंच के टायर्स मिलते हैं। इसके अलावा बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको 14 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि रेडियल और ट्यूबलेस हैं। इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कर्व वेट, मतलब कि गाड़ी का वजन, पहले से कम हो गया है। अब इसमें आपको 805 टू मैक्सिमम 845 किलोग्राम्स का वेट मिल पाता है। कलर्स की बात करते हैं तो 6 कलर में ये नई वैगनार आपको मिला करेगी, ग्रे, सिल्वर, वाइट, ऑरेंज, ब्राउन और ब्लू।
सेंट्रो की तरह इस गाड़ी में भी एक कमी है कि सिंगल ड्राइवर एयरबैग ही आपको स्टैंडर्ड मिल पाता है हर किसी वेरिएंट में। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है जो कि सेंट्रो में नहीं है कि पैसेंजर एयरबैग आपको ऑप्शनल मिल जाता है। मतलब अगर आप किसी भी वेरिएंट में डुअल एयरबैग चाहते हैं तो ये आप ऑप्शनल सेफ्टी लेकर करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सभी वेरिएंट्स में से आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगा। इसके अलावा ये गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या मारुति की दूसरी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर इग्निस की तरह ठीक ठाक ही सक्सेस इसको मिल पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।